तो हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट, और इस वाली वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ भाई मिस्टर माइम से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुका है। और इसमें भाई पोकेमॉन यूनाइट वालों की सारी से पूरी पूरी मिस्टर माइम को ब्रोकन बनाने के लिए, क्योंकि भाई मिस्टर माइम की नई नई स्किन आई है, तो भाई वो कैसे बिकेगी यहाँ भी बताओ। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई मिस्टर माइम को ब्रोकन कर देते हैं, तो सब लोग उसी को यूज़ करेंगे और स्किन भी हमारी बिकेगी। तो यहाँ से अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने भाई मिस्टर माइम ले लिया और इसमें एम्बलम एम्बलम स्पेशल अटैक सारी चीज़ें लगा ली हैं। और आजकल मैं सेल वैली यूज़ कर रहा हूँ और अपने दोनों चश्मे यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी स्पेशल अटैक हैं सब पे सबसे बेस्ट मेरे को यही लग रहा है। स्पेशल अटैक स्पेक्स हैं वो मैं सिर्फ ब्लास्ट वॉल पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्लास्ट वॉल भाई कर लेता है स्टैक, इसीलिए और किसी पर मैं भाई रिस्क नहीं लेता फालतू बंडी की, क्योंकि सोलो खेल रहे हैं हम लोग, टीम नहीं खेल रहे। और यहाँ पे मेरी टीम के बंदों ने भाई पोकेमॉन एकदम बढ़िया लिए होते हैं भाई, सच्ची में पिकाचू को छोड़ के भाई चारों पोकेमॉन ना एकदम खतरनाक है। और इसी के साथ साथ गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूँ सोलो क्यू की, क्योंकि भाई मैंने ना सोलो क्यू ही खेला है और टीम के साथ भी खेला है मैंने, बट सोलो क्यू मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। पिछले तीन से चार सीजन में सोलो क्यू ही खेलता आ रहा हूँ, और हर सीजन में भाई 1700-1800 पहुँच जाता हूँ मैं आराम से, 1800 ही पहुँचता हूँ भाई, 1700 तो कोई एंगल ही नहीं है। बस जो पिछला वाला सीजन था सीजन 5, उसमें मैंने 1700 पहुँचा था बस, उसमें मैंने जानबूझ के नहीं खेला था भाई, क्योंकि मैं इतने बेकार बंदे थे ना, बहुत बेकार। उसमें तो भाई मेरी 15-16 लूजिंग स्ट्रिक लगी थी, मेरी लूजिंग स्ट्रिक 15-16, आप समझ जाओ मेरी विन रेट का क्या हाल हुआ होगा। इस वाले सीजन में थोड़े बंदे भी अच्छे आ रहे हैं और भाई मैं जीत भी रहा हूं, तो मेरी विन रेट मेंटेन हो चुकी है। अभी मेरी विन रेट 59% चल रही है, 60% से ऊपर थी मेरी विन रेट, बट अभी अब क्या कर सकते हैं भाई, पिछले वाले सीजन में बहुत दिक्कत हुई थी, बट कोई नहीं, अब मैं दोबारा से बढ़ा लूँगा उसे। तो यहाँ पे कहा आप लोग देख पा रहे हो भाई मिस्टर माइम से हम आ चुके हैं, और ये वाला मैं गुड्डा ले रहा हूँ, इसका नाम नहीं पता मेरे को इसलिए मैं तो गुड्डा कहूँगा। तो ये वाला गुड्डा ले लिया और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई 9 टेल्स का चुरा लूँ, बट यार चुरा नहीं पाता, कोई बात नहीं, चलो मैंने कि 9 टेल्स भी ले लेगी, वो भी खुश रह लेगी। तो इसका पार्टनर है भाई मिस्टर माइम, और इनके नाम भी सेम है, तो मेरे को लग रहा था कि भाई ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं, और इनका पता नहीं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे, ये दोनों के दोनों गोल के पीछे इतने पागल थे ये गोल गेटर लगा के आ रहे थे और नौ नौ का गोल करने के लिए मर रहे थे, और उसके लिए भी गोल गेटर खोल रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे गोल के पीछे, लिटरली मैं बहुत पागल था। अभी तो ये देखो पहली बार मरने आया, अभी एक और बार मरने आएंगे, दो तीन बार मरने आएंगे कम से कम यहाँ पे गोल के चक्कर में। और मेरा जो पिकाचू मेरे साथ जो कि रैंडम बंदा था ये सही खेल रहा था भाई, तो इस सीजन बंदे जो कि रैंडम वाले ना वो सही आ रहे हैं, और ऊपर वाला भी बंदे सही थे और वो खतरनाक भी थे वैसे तो, गेंगार लुगारियो और सरीना भाई वो खतरनाक भी थे। तो यहाँ पर भाई इनका नीचे अटैकर आ जाता है तो मेरी तो बलि चढ़ जाती है, 9 टेल का स्टन इतना तगड़ा पड़ता है, तो यहाँ पे मेरी बलि चढ़ जाती है बहुत ही जल्दी से। तो देखो गाइस, अगर मैं आपको थोड़े बहुत बताऊँ ना, तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई आप लोग ना मेटा में जो पोकेमॉन चल रहे हैं वही लेके सोलो क्यों खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोशिश करो भाई कम से कम मरो, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा पिकाचू पीछे हट गया तीन बंदों के सामने डिफेंड करना, वैसे भी वो डिफेंड नहीं कर पाता, तो उसने सही डिसीजन लिया कि भाई पीछे हट गया, मरा नहीं, वरना आप लोग डिफेंड नहीं कर पाओगे अगर बहादुरी दिखाओगे तो। तो इसलिए ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है कि पीछे हट लो। और यहाँ पे पता है मैं बेवकूफ़ी कर देता हूँ भाई, फालतू में लड़ रहा होता हूँ, और इस जगह पे लड़ते लड़ते मेरे मन में चल भी रहा होता है कि भाई मर जाऊँगा कोई ना कोई इनका बंदा आ जाएगा, बट मैं तब भी लड़ता रहता हूँ और मैं मर भी जाता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है ना कि आप लोग अगर सोलो क्यू खेल रहे हो या फिर सोलो क्यू या टीम कुछ भी खेल रहे हो तो मैप में देखते रहा करो, ये मैप है ना भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आप इसमें मैप में देखते रहोगे और आपके मन में चलता रहेगा कि क्या क्या भाई कहाँ पर मेरे बंदे हैं कहाँ पर अपोनेंट के बंदे हैं, तो लिटरली भाई सच्ची बता रहा हूँ 50% चांस तो आपके ऐसे हो जाएंगे जीतने के। और यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा होगा 90 का मिस्टर माइम दोबारा से मरने आए वहाँ पर गोल के चक्कर में, गोल भी नहीं कर पाए मर भी गए, और हम लोगों ने आराम से 60 का गोल दबा दिया यहाँ पे। और अभी हम थोड़ी देर वैसे तोड़ भी देंगे क्योंकि वो दोबारा से मरने आएंगे अभी एक और बार। उनकी स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या थी इस वाले गेम में, मुझे पता है भाई गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट यार ये कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम 9-9, 10-10 के गोल कर रहे हो उसमें भी मर रहे हो, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भैया, ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भाई मैं भाग लेता हूँ, वरना तो ये मेरे को मार ही देते हो, बट मैं भाग लेता हूँ पिकाचू की बदौलत, क्योंकि पिकाचू ने भाई स्टन दे दिया था इसलिए मैं बच गया था। और यहाँ पे देखो तीसरी बार मर रहे हैं, मैंने कहा था ना ये पता नहीं क्यों बार बार मरने आ रहे थे। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैप में देखते रहने वाला, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले सीजन जैसा कि सीजन 5 था, तो उसमें मैं हार रहा था भाई, काफ़ी हार रहा था, तो उसमें मैं ये वाली गलती कर रहा था भाई, मैप में मैं नहीं देखता था, बट इस वाले सीजन मैंने मैप में देखना चालू करा है बहुत अच्छे, पहले भी मैं देखता था मैप में, बट पिछले सीजन में मैंने छोड़ दिया था, मैप में ज़्यादा नहीं देख रहा था, बट इस वाले सीजन में भाई लिटरली काफ़ी सही तरीके से जीत रहा हूँ मैं। और मैप में भी मैं एकदम ध्यान में रखता हूँ कि हाँ भाई क्या चल रहा है, टॉप पार्ट में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, बॉटम में क्या चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर ये नीचे वाले ये दोनों बंदे एक साथ ही खेल रहे हैं, ये लोग टॉप पार्ट पर भी नहीं जा रहे और नीचे भी बार बार आगे मर रहे थे, पता नहीं क्यों, इनका क्या स्ट्रेटजी थी समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो यहाँ पर भाई मैं बॉटम पाथ में रहूँगा, क्योंकि अपनी टॉप पाथ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसलिए मैं नीचे नहीं जाता, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाता और इनका जंगल इन्वेड करने चला जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर भाई इनका गेंगर बेचारा अभी तक लेवल 9 का नहीं हो पाता, तो इससे मैं वैसे लड़ाई तो नहीं लेता, क्योंकि फालतू में लड़ाई लेने से क्या फ़ायदा, अभी मार मूड दे मेरे को गलती से, इसीलिए उसे लेवल फिर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मिस्टर माइम पता नहीं मैं उससे लड़ रहा था, और उसके साथ पार्टनर भी आ गए, ये देख रहे हो कितनी बार मरने आ गए नीचे, 5 बार मरने आ गए ये लोग मिस्टर माइम और ये 9 टेल्स, पता नहीं क्यों।
और यहाँ पे मैं दम दबा के भाग लेता हूँ क्योंकि इसके पार्टनर भी उधर आ जाता है ना, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर लड़ना सही नहीं रहेगा, बहादुरी फालतू में नहीं दिखानी चाहिए मेरे को, इसलिए मैं बेस पे आ गया अपने। मैंने कहा बेस पे आ जाओ भाई, कितने कितने बंदे आ रहे हो। और गाइस देखो, चौथा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कब स्पॉन हो रही है, जैसे कि इसमें अल्टारियाज वगैरह कब हो रहे हैं। जैसे 20 की जगह पर अल्टारियाज आते हैं ना, तो उनकी टाइमिंग आपको ध्यान रखनी होगी, रेजिलेकी वगैरह की, स्टील वगैरह की, इन सब की टाइमिंग भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें अल्टारियाज वगैरह थोड़े ज़्यादा आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो सेंटर में भी आते हैं ना, उनकी टाइमिंग वगैरह भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे देखो 720 पे यहाँ पे आते हैं, 850 पे बॉटम पाथ और टॉप पाथ पे आते हैं ना सब पे, और सेंटर एरिया में भी आते हैं 8 पे आते हैं सेंटर एरिया में, तो वो वाले भी आप ले लिया करो ध्यान से, क्योंकि उनसे लिटरली में बहुत ज़्यादा फार्म मिलता है भाई अगर आपने सारे ले लिए तो। इस वाले मैप में फार्म तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले वाले मैप में जब मैं खेलता था तो ड्रेडनॉट से पहले तक मैं शायद 7 लेवल का भी नहीं हो पाता, और इस वाले में तो 7 का तो आराम से हो जाता हूँ मैं भाई, ड्रेडन वगैरह से पहले, मतलब रेजिलेकी वगैरह से पहले 7 का तो आराम से हो जाऊँगा, इवन मेरी यूनाइट भी खुल जाती है कभी कभार तो। यहाँ पर ये वाला मिस्टर माइम फिर से मर गया, और जो इसकी दोस्ती थी ना 90 वो नीचे गोल करने गई है भाई 40 का, जो कि उसने होशियारी दिखाई पहली बार, पता नहीं 6 बार मरी है उसके बाद उसने होशियारी दिखाई है, तो 40 का गोल कर देती है बेचारी नीचे और हमारा गोल डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पर हमारे भाई रेजिलेकी के पास बंदे नहीं होते, तो फिर मैं भी रेजिलेकी को मारना बंद कर देता हूँ और लड़ाई भी नहीं लेता भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत कम से कम एक बंदा मेरे साथ रहे तो लड़ाई वड़ाई लूँ। यहाँ पे एक गैंगर छुपा हुआ होता है, बट अब 3 बंदों में क्या ही कर पाएगा ये गैंगर बेचारा, और उसके साथ स्टन और लगा रहा है पिकाचू मेरा, तो यहाँ पे बेचारा अकेला ले रहा होता है भाई। अकेले तो मत लो भाई, अकेले तुम अगर तुम पता है गलती कर रहे हो अकेले लेने की, तो मैं मना करूँगा मत लो, जब तक आपका कोई अच्छा पॉक्समन नहीं होता। जैसे बीनस हो रहा है अकेले ले लेता, मुझे तो नहीं लगता अकेले घंटों में भी ले पाता है, रेडी लगी गोल्टर रेडी लगी उसे मार देता। तो ऐसे पॉक्यूम जैसे सिंड्रेस वगैरह हो गए, चार यार्ड वगैरह हो गए, उनसे आप ले सकते हो, मिस्टर माइम से भी अकेले ले सकते हो आप, बट जो पॉक्यूमॉन इतना ज़्यादा नहीं मारते उनसे अकेले लेने की भूल मत करो, तो ही सही रहेगा, क्योंकि एट द एंड कोई चुरा ले जाएगा, नहीं तो आपको रेडी लेके मार देगा, नहीं तो कोई दूसरा बंदा आके आपको मार देगा टीम का। तो ऐसे ही पॉक्यूमॉन से ले जो कि मार सकता है। तो यहाँ पर भाई हम लोग पुश करते हैं, यहाँ पर यूनाइट वगैरह सारी चला दूंगा और रेडी लगी टच भी हो जाएगा हमारा, ये सही है भाई, रेडी लगी बहुत पावरफुल है। यहाँ पर यूनाइट मूव से भाई सारे बंदे मरेंगे ये, क्योंकि भाई यूनाइट मूव इसकी मिस्टर मैम की पावरफुल हो चुकी है, और साइकिक वाली मूव मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, इसमें कन्फ्यूजन भी अच्छी है बट साइकिक मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब इस टाइम पर गाइस आप लोग देख रहे हो भाई मैं जंगल वगैरह फार्म कर रहा हूँ अपना, क्योंकि मेरे को मिल रहा है कोई नहीं ले रहा है इसीलिए, बट मेरी निगाह पता है कहाँ पर, अब मैप में ही है कि आखिर वहाँ पर पिकाचू और लिकारी और अपोनेंट के बंदे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मेरी ज़रूरत तो नहीं है और कहीं पर पुश वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर जैसे मान लो ऊपर वाली लेन है, वहाँ पर 4-5 बंदे मेरे को दिखते हैं मैप में, तो तुरंत मैं बैक टू बेस करके ऊपर जाता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को पता है कि भाई अगर वो बंदे पुश कर रहे हैं तो मेरे को जाना ही जाना चाहिए, वरना बेस टूट जाएगा, दिक्कत होगी। तो ये तुरंत कर लो आप, जल्दी से अगर सोचोगे ना इसमें तो भाई बहुत अच्छा रहेगा इस वाली गेम में। और यहाँ पे गाइस आप लोग देखना भी भाई गैंगर से मेरा 1v1 होने वाला है, और मैं यहाँ पे 34 का स्कोर करूँगा उसके बाद आता है भाई ये लड़ने। पहले तो मैं समय डर के भाग रहा होता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को गैंगर से डर लगता है भाई, आपको पता ही है कितना खतरनाक है, बट यहाँ पे मैंने देखा कि भाई इतनी ज़्यादा डैमेज दिया मैंने, फिर मैंने सोचा कि आ जाए भाई लड़ ले, मैं लड़ लूँगा तो उससे, पर यहाँ पे मैं इसे ख़त्म ही कर देता हूँ। और मेरा आप लोग देख पा रहे हो 15K में बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और रैकोजा भी आने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलो क्यू का, कि अपने टीम के साथ रहो रैकोजा के टाइम पे, अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं रहती है तो थोड़ा बहुत दुब के रहो, टीम के आने का इंतजार करो तभी बाहर निकलो, वरना तो गैंगर वगैरह आपको ऐसी चुटकियों मार देगा। और यहाँ पे हमारे 5 बंदे आ जाते हैं, तो हम लोग भाई रैकोजा को जल्दी से मेल्ट करने लग जाते हैं, तो बट अपोनेंट टीम का भाई गैंगर अल्टी चला के चुरा लेता है, आप लोग देख पा रहे हो अल्टी चला के उसने चुरा लिया, और इनके टीम के बंदे गैंगर को तो हम तुरंत खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे सिंड्रेस भाई बहादुरी दिखा रहा होता है, बल्कि इसे बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी, गोल करने जाना चाहिए था। रैकोजा ले लो ना तो भाई फाइट मत लो, ये पॉइंट आप दो ध्यान में रख लो, सोलो क्यू हो या टीम हो कुछ भी हो, फाइट मत लो भाई, रैकोजा की सील अगर आपके पास तो गोल कर लो, उसके बाद जितनी फाइट लेनी हो उतनी लो, क्योंकि गोल नहीं कर पाओगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली गेम हार जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भाई एंड में मैंने गोल कर दिया है, 80 का गोल करा है, और अपना लुकारी छोटा मोटा गोल कर देगा 56 का, और अपोनेंट के बंदे भाई लिटरली 200-300 का गोल कर जाएंगे। उसके बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं यकीन था कि हाँ भाई हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले लीड में थे स्टार्टिंग में भी। तो यहाँ पर भाई नीचे उन लोगों ने तोड़ दिया होता है गोल, और यहाँ पर भाई मैं बुरा फंस जाता हूँ, अल्टी वल्टी सब चला देते हैं ये लोग, बट मैं 90s को तो भाई मार के जाऊँगा, लेवल 14 की 90s को तो ऐसे ही मार दिया चुटकियों में, ऐसे भी मार देता हूँ पक्का बता रहा हूँ भाई, अगर 16 भी मेरे हाथ में नहीं आती। और इस सरीना पर लिटरली मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी एंड मोमेंट में, भाई 100 का गोल नहीं रोक पाया, और यहाँ पर सेंटर में खड़ी हुई है, इसके मुंह के आगे गोल मार के चले जा रहे बंदे, ये देख रहे हो कैसे सहता के भाई कर रही है यार, बहुत गुस्सा आई मुझे इस पर, फालतू में गेम हरवाने के पीछे पड़ी हुई थी ये तो। फिर यहाँ पर पिकाचू आ जाता है टाइम पर आ जाता, वरना ये भाई गोल दे देता। तो यहाँ पर देख रहे हो सरेंडर का बोर्ड करने लग गए बंदे, अपने बंदों को लग रहा है कि हम हारने लग गए, बट मैं मुझे पता है कि नहीं भाई हम जीत रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई गैंगर जिंदा हो जाता है, पिकाचू जिंदा हो जाता है, बट यहाँ पर गैंगर आपको पता ही है भाई पिकाचू को तो ऐसे मार देगा ऐसे पता नहीं क्या है। और यहाँ पर भाई मैं लिटरली बहुत डर रहा होता हूँ कि भाई ये गैंगर संभाल ले, गैंगर संभाल ले, कहीं गोल बोल ना हो जाए, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर गोल बोल हो जाता।
मेरे आने के बाद तो फिर किसी कोई भी गोल नहीं कर सकता भाई मेरे आगे तो, क्योंकि मेरे पास यूनाइट मूव थी, साइकिक थी। यूनाइट मूव तो आपको पता ही है, मिस्टर मैम की कितना तगड़ा वाला स्टन देती है, कोई गोल भी नहीं कर पाता मेरे सामने। तो फिर इसी के साथ गाइस हम लोग जीत जाते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला गेम होता है ये, और इसमें मैं एमवीपी होता हूं और मेरे किल भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। इसमें रेकोसा लेने के बाद भी अपोनेंट वाली टीम नहीं जीत पाती, और मेरी सरीना ने भाई एंड में लापरवाही दिखाई थी उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 244 का स्कोर, मैंने ध्यान दिया है भाई स्कोर करने पे और किल करने पे। तो 13 किल हैं और एमवीपी निकला हूं इसी के साथ, और मेरी टीम के बंदे भाई मेरे को पहली बार अपने आप लाइक दे रहे हैं, वरना मेरे को कहना पड़ता है कभी कभार तो कि जो मेरे को लाइक देगा उसी को लाइक मैं दूंगा। बट यहाँ पर पता है 13 किल मैंने निकाले हैं, पर डैमेज इतनी ज़्यादा नहीं निकली यार, 65,000 की डैमेज निकली, मेरे को समझ नहीं आया इतनी कम क्यों। किसी किसी गेम में मैंने देखा है भाई 70,000-80,000 की डैमेज निकाली है मैंने, और उसमें इतने किल भी नहीं होते जितने किल इसमें है, 13 किल, अजीब है थोड़ा। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भाई ये वाला गेम प्ले कैसे लगा, और जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको थोड़ी बहुत बताई हैं वो आपको कैसे लगी। तो आज वाली वीडियो मतना ही, करी वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जो करना, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना। तो आज वाली वीडियो मतना ही, बाय बाय।